पंडित निशिकांत मिश्र ने 1943 में की थी। उसका उद्देश्य भागलपुर की युग परिषद के तत्वधान में पंडित श्रीकांत मिश्रा के शताब्दी वर्ष 2021 भागलपुर के जेएस गार्डन शिव कुमार शिव के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि भागलपुर के दर्जनों साहित्यकार सम्मान समारोह में मौजूद हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा कि भागलपुर में साहित्यकार की परिचर्चा लाना। बताया गया कि साहित्य लिखना क्या है, यह हमारे जीवन पर परिवर्तित करती है, जिससे कि हम लोग अंग प्रदेश भागलपुर जैसे शहरों में रहकर साहित्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं और साहित्य के लिखे हुए कविता सोशल मीडिया पर फेसबुक दिखाते हैं। सोशल मीडिया फेसबुक के बारे में बताया कि फेसबुक नहीं लोगों की फेस, जिससे कि हम लोगों की पहचान बढ़ती है। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। साहित्य पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, यह परंपरा साहित्य को जीवित रखे, इस शहर के साहित्य माध्यम कहीं से भी शुरू हो, शुरुआत कहीं से भी, लेकिन हम उस छोर को देखना चाहते हैं जहां हमें पहुंचना है। यात्रा प्रारंभ हुई है, पता नहीं कब तक चलेगी और ये चले तत्कालिक यहाँ के साहित्य को प्रोत्साहन मिले। माध्यम कुछ भी बन सकता है, चाहे वो मुझसे शुरुआत हो, किसी और से शुरुआत हो, आगे कोई और से शुरुआत हो, लेकिन इससे एक बड़ी बात है, आप जो अभी बात कर रहे थे आपको ये बता देते हैं कि इस शहर को आप अपने कब्जे में रख सकते हैं, क्योंकि जब तक संवेदनाएं होंगी तब तक शहर जिए और साहित्य संवेदना को जीवित रखता है। बंटवार को लेकर क्या देख रहे हैं सर साहित्य मामले में? बहुत बढ़िया है, बहुत लोग लिख रहे हैं, धुआंधार लिख रहे हैं। और आपको एक बात बताते हैं कि ये सवाल मुझसे किया गया कि आप क्या लिखते हैं, सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये कहा था कि जो मैंने जिया है वही लिखा। और जब लोग जीने लग जाएंगे, दरअसल जीने की प्रक्रिया में, तो साहित्य खुद जीवित होगा। सोशल मीडिया का क्या प्रभाव देख रहे हैं साहित्य के ऊपर, अच्छा या बुरा क्या दिख रहा है? नहीं नहीं, सोशल मीडिया का कोई बुरा प्रभाव नहीं है। सीधी बात है कि सोशल मीडिया से सरोकार बढ़ेगा। फेसबुक ने फेस हटा दिया, देश नहीं है फेसबुक में, लेकिन फेसबुक से जुड़े आपको पता ही है कि आपके कितने दोस्त हैं, आप खाली बटन पे उंगली दबाते हैं दोस्ती हो जाए। पंडित निशिकांत मिश्र ने 1943 में की थी। उसका उद्देश्य भागलपुर की कला संस्कृति सामाजिक सौहार्द इन सब चीज़ों को बचाना था और उसे संवारना था। इसके तत्वावधान में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे, अखिल भारतीय संगीत सभा में, जिसमें कि उस समय के सभी जाने माने कलाकार बिस्मिल्लाह खान साहब हों, सितारा देवी हों, गोदई महाराज हों, बिरजू महाराज हों, वो लगातार यहाँ आते रहे। पृथ्वीराज कपूर अपने थिएटर के साथ यहाँ आए, उनके साथ राज कपूर, उनके साथ शमी कपूर, सब लोग भागलपुर आए। इस तरह के कार्यक्रम निरंतर भागलपुर में चलता रहा और ये उपज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के काल की है, जबकि चरम पर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय भारतीय संस्कृति को फिर से बचा पाना किसी भी क्रांतिकारी के लिए बहुत मुश्किल था और उस दौर में इस चीज़ को शुरू किया गया और ये लगातार अभी भी ये हम लोगों के माध्यम से कहिए या सभी के माध्यम से, ये अभी भी इस पर निरंतर कुछ ना कुछ काम होता चला जा रहा है। कला के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, साहित्य के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। उसी कड़ी में आज का कार्यक्रम था जिसमें हम लोगों ने साहित्य सम्मान देने का काम किया और आने वाले समय में जो हम लोगों के और कार्यक्रम हैं वो आप लोगों को उसके बारे में सूचित किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग भागलपुर के जितने भी साहित्यकार हैं, हर भाषा के साहित्यकारों को हम लोग एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साहित्य को की जो प्रतियां हैं, जो भी उन्होंने लिखे हैं लिखा है, उसको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक पुस्तकालय यहाँ भारतीय परिषद के तत्वावधान में बनेगा, जिसको क्या करके सब लोग पढ़ सकते हैं। भागलपुर में जो ऐसे प्रतिभाशाली कथाकार, हमारे रचनाकार, साहित्यकार अभी हैं जिनको कि बहुत कम लोग पहचानते हैं, उनको भी हम लोग एक कोई प्लेटफॉर्म दें ताकि सबको लोग पहचान सकें।